हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बैंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी इट इज देन बैंड इनटू अ सर्कुलर कोयल ऑफ एन टर्न्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस दिसल ऑफ एन टर्न्स विल बी तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एक लॉन्ग वायर है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है मतलब कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर को बैंड करके एक सर्कुलर लूप में हमने शेप दे दी उसको सर्कुलर लूप की शेप दे दी जिसका सिंगल टर्न है वन टर्न है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है सेंटर पे वो आ रहा है बी अगर उसी सर्कुलर कोयल को हम एंड टर्न्स दे दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट द सेंटर ड्यू टू दैट एन टर्न्स वो हमें फाइंड आउट करना है तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा द की कंसेप्ट

हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक वायर को जिसकी हम लेट कर लेते हैं एल लेंथ है उसे हमने एक सर्कुलर कोयल में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी सर्कम्फ्रेंस हो जाएगी टू पाई आर राइट तो यहाँ से हम आर कैलकुलेट करें तो आर हो जाएगा हमारे पास कितना एल अपॉन टू पाई ठीक है और उसमें से स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है तो लाइट से आई करंट है जो कि उसमें से फ्लो कर रहा है कॉन्स्टेंट करंट है आई अब जो मैग्नेटिक फील्ड बी हमें गिवन है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी बी का फॉर्म होता है म्यू नोट आई अपॉन टू आर तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन टू अब आर की वैल्यू पुट करेंगे तो एल इन टू टू पाई तो टू से टू कैंसिल हुआ तो बी का जो वैल्यू आ गया हमारे पास म्यू नोट पाई इन टू आई अपॉन एल ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई लेट से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है वो कहते हैं कि उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमने एन कर दिए ठीक है स्मॉल एन कर दिए वेर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है तो अब लेंथ तो सेम है ठीक है बट नंबर ऑफ टर्न्स हमने एन कर दिए तो अब जो उसकी सरकम हो जाएगी वो हो जाएगी एन टर्म्स ऑफ एन टाइम्स ऑफ टू बाई इंटू आर डैश अब नई रेडियस आ जाएगी क्योंकि अगर हमने सेम लेंथ की वायर के नंबर ऑफ़ टर्न्स को कम किया मतलब बढ़ाया तो आर क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा तो आर डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी एल अपॉन टू पाई एन अब जो नया मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी डैश वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर डैश तो आर डैश की वैल्यू डालेंगे तो वो हो जाएगा म्यू नोट एन आई अपॉन टू इन टू एल अपॉन टू पाई एन तो टू से टू कैंसिल हुआ एंड ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट एन स्केयर आई पाई अपॉन एल अब जो बी की वैल्यू थी हमारे पास वो थी म्यू नोट आई पाई अपॉन एल तो बी डैश और बी को कम्पेयर करते हैं अगर हम इनको डिवाइड कर दें आपस में तो बी डैश अपॉन बी इज इक्वल टू बी डैश हमारे पास आया है म्यू नोट एन स्केयर पाई आई अपॉन एल और बी की वैल्यू हमारे पास म्यू नोट पाई आई इन टू अपॉन में एल हो जाए तो एल से एल कैंसिल पाई आई पाई आई कैंसिल म्यू नोट से म्यू नोट कैंसल तो बी डैश इज इक्वल टू बी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो वो हो जाएगा एन स्केयर बी तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा तो जो नई मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एन स्केयर टाइम्स ऑफ बी हो जाएगी ठीक है अब ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एन स्केयर बी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन